हेलो स्टूडेंट आई होप यू आर फाइन इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल सो मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल मींस वन टर्म का मल्टीप्लिकेशन आज हम देखेंगे टू टर्म से थ्री टर्म से फोर टर्म से ठीक है So, चलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं सो so, एग्जाम्पल है फाइंड द प्रोडक्ट फर्स्ट थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव वाई प्लस टू टू टर्म्स है इसीलिए वहां पे देखिए ब्रैकेट यूज हुआ है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम दैट इज इक्वल टू तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं थ्री का मल्टीप्लीकेशन फाइव वाई से भी होगा और थ्री का मल्टीप्लीकेशन टू से भी होगा थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव वाई तो कितना आ जाएगा फिफ्टीन वाई प्लस थ्री मल्टीप्लाई बाई टू तो कितना हो जाएगा सिक्स ठीक है सेकेंड पार्ट फाइव एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर माइनस एट तो अगेन हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्योंकि मोनोमियल का मल्टीप्लीकेशन बाई से है तो फाइव एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू तो हो जाएगा फाइव एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई क्यूब फिर है फाइव एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव एट से तो फाइव मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव एट तो हो गया नेगेटिव फोर्टी और एक्स वाई ठीक है थर्ड पार्ट नेगेटिव टू एक्स मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स वाई मल्टीप्लाई की साइन यहां यूज नहीं हुई है जरूरी नहीं है कि आप यूज करिए So, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव टू एक्स मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव थ्री एक्स इक्वल टू तो नेगेटिव टू मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव थ्री कितना टू थ्री जा सिक्सिंग मल्टीप्लाई बाई एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो फिर नेगेटिव टू एक्स का मल्टीप्लीकेशन नाइन एक्स वाई से तो नेगेटिव टू मल्टीप्लाई बाई पॉजिटिव नाइन तो हम ऐसे भी देखते हैं माइनस प्लस माइनस इन टू जटीन साइन चेंज हो जाएगी ठीक है फिर एक्स का मल्टीप्लीकेशन एक्स से एक्स स्क्वायर और वाई कम टू द फोर्थ पार्ट टू ए बी माइनस फाइव सी मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर तो हम थ्री मल्टीप्लाई बाई फोर लिखे या फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री प्रोसेस तो वही होगा तो ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे टू ए बी से तो हो जाएगा टू ए क्यूब बी ठीक है, फिर ए स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव फाइव सी से तो हो जाएगा नेगेटिव फाइव ए स्क्वायर सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो सही रहता है फिफ्थ पार्ट देखिए थ्री पी का मल्टीप्लीकेशन अब हमें थ्री टर्म से करना है तो प्रोसेस वही है तो थ्री पी का मल्टीप्लीकेशन पहले हम फोर पी स्क्वायर से करेंगे तो आएगा थ्री फोर जा ट्वेल्व पी मल्टीप्लाई बाई पी स्क्वायर तो हो गया पी क्यूब फिर थ्री पी का मल्टीप्लीकेशन हम फाइव पी से करेंगे तो थ्री मल्टीप्लाई बाई प्लस फाइव तो प्लस फिफ्टीन पी मल्टीप्लाई बाई पी पी स्क्वायर फिर थ्री पी का मल्टीप्लीकेशन हम सेवन से करेंगे तो आ जाएगा प्लस ट्वेंटी वन पी नेक्स्ट पार्ट देखिए नेगेटिव टेन एम स्क्वायर एन प्लस थ्री एन स्क्वायर पी माइनस फोर्टीन मल्टीप्लाई बाई थ्री पी ठीक है, थ्री so, पी का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे नेगेटिव तो थ्री मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नेगेटिव थर्टी तो p का मल्टीप्लीकेशन वाला कोई टर्म तो वहां पे है नहीं लाइक टर्म फिर एम स्क्वायर एन पी थ्री पी का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे थ्री एन स्क्वायर पी से तो हो जाएगा थ्री थ्री जा 9 नाइन और प्लस में फिर हो जाएगा एन स्क्वायर पी p टू पी पी स्क्वायर थ्री पी का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव फोर्टीन से तो थ्री मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव फोर्टीन तो हो जाएगा टू पी ठीक है लास्ट देखिए लास्ट पार्ट तो अगर नेगेटिव टू का मल्टीप्लीकेशन हमें सबसे करना है तो नेगेटिव टू मल्टीप्लाई बाई फोर क्यू स्क्वायर अब नेगेटिव बाहर है तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव टू मल्टीप्लाई बाई फोर तो नेगेटिव एट क्यू स्क्वायर फिर नेगेटिव टू का मल्टीप्लीकेशन है नेगेटिव एट क्यू क्यूब से तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टू एट जा सिक्सटीन क्यू क्यूब फिर नेगेटिव टू का मल्टीप्लीकेशन सिक्स क्यू से तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टू सिक्स जा ट्वेल्व क्यूब ठीक है नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट देर गिवेन थ्री क्वेश्चन टू इज ऑन दिस पेज एंड वन इज ऑन नेक्स्ट पेज देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स तो देखिए यहां पेयर्स में दिया है तो सबसे पहले आप मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखिएगा लाइक फोर पी मल्टीप्लाई ब्रैकेट q प्लस आर और फिर इक्वल करके मल्टीप्लाई करिएगा ठीक है और सेकेंड क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल तो यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया है सेकेंड एक्सप्रेशन दिया है आपको क्या करना है दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है तो जैसे पहले में लिखेंगे वैसे यहाँ पे भी लिख के आपको करना है या तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके आंसर वहां लिख सकते हैं देखिए फाइंड द प्रोडक्ट तो देखिए यहाँ पे मोनोमियल का प्रोडक्ट मैंने दिया है मोनोमियल से तो जैसे पहले वाली वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था तो ध्यान से इसे करिएगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिया है यहाँ पे ठीक है And after solving these questions, check your answers which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.